ये है बाकू का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जस्ट अभी हमारी फ़्लाइट दिल्ली से लैंड की है। इंडिगो की फ़्लाइट थी, और आप देख सकते हो पूरा मतलब फ़्लाइट फुल था, और ऑलमोस्ट सारे इंडियन ही लोग हैं, मतलब देसी ही लोग हैं। तो और रात का अभी 12 बज रहे हैं, तो ऑलमोस्ट लगता है कि फ़्लाइट आई हुई है। और उतना कोई बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, जस्ट लाइक मीडियम साइज़ होगा, या शायद उधर भी टर्मिनल होगा, आई डोंट नो। बट अभी तो हमें ये इतना ही दिख रहा है सामने, यहाँ पे देख ही रहो इंड हो गया। और यहाँ पे मनी एक्सचेंज का भी है, वहाँ पे सिर्फ एक ही काउंटर है, और जो रेट मैंने देखा ऑनलाइन मतलब ऑलमोस्ट कम है। जैसे यूरो 174 है, ऑनलाइन मैंने देखा तो 180 कुछ है। तो मतलब यहाँ से मत करना, कुछ प्राइस उतना अच्छा नहीं है। और एक ATM भी लगा हुआ है, आई डोंट नो कि कितना वो चार्ज करते हैं। बट एक ऐप करके यहाँ पे बैंक है, ABB करके, उसका सुना कि चार्जेस कम है, मतलब उसमें चार्ज लगता ही नहीं है। बाकी यहाँ पे फ्री वाईफाई लगा हुआ है, तो अभी मैं वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, इससे मैं बोल्ट टैक्सी बुक करूँगा, और मेरा जो दोस्त है उसके घर जाऊँगा। तो ये अच्छा है कि वाईफाई के लिए कोई भी पासवर्ड कोड कुछ नहीं चाहिए, आपको मिल जाते हैं ऐसे ही। बट आई डोंट नो कि कितने घंटे के लिए है, मे बी जस्ट फॉर 1 आवर के लिए होगा, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ से बैग लेना है मेरे को, फिर निकलना है। और इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था, मतलब कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ अपने पासपोर्ट दिया, विद इन 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, और तुरंत कर दिया एंट्री। सो ऑल गुड। सिम कार्ड। सो एक्चुअली बाहर से ज़्यादा बड़ा है, अंदर से छोटा था, बट यू कैन सी इट्स क्वाइट बिग। और यहाँ पे टैक्सी का लगा हुआ है, टैक्सी का बड़ा लोचा है यहाँ पे। मैंने बोल्ट से काफ़ी कैब बुक किया, मेरे को ऑफ़र मिल रहा था लाइक 8 मन्नत का डिस्काउंट, और जितने टैक्सी वाले सब बोले नहीं 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 आपको 20-22 देना ही है। तो मतलब सेम जैसा हर जगह होता है वैसा ही इधर भी है। सो ये रहा बाकू का एयरपोर्ट, काफ़ी अच्छा है यार, मतलब प्रिटी है, मतलब पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं, और काफ़ी लोग भी है। अंदर तो नहीं थे लेकिन बाहर तो काफ़ी लोग हैं। चलो यार, मेरा दोस्त वेट कर रहा है तो मैं निकलता हूँ। यार लेकिन वॉशरूम जाना था, कहाँ है वॉशरूम? ओके चेक एंड जस्ट गो मैन। गाइस ये है बाकू का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पीछे है मेरे। सो ये है एयरपोर्ट का बाहर का सीन, लाइक काफ़ी अच्छा है, मतलब हवा अच्छी मस्त चल रही है। इधर को एक बिल्डिंग है, और ये कार पार्किंग की जगह है। अभी भाई टैक्सी मिल गई है, भाई ने बुक करवाया, और ये भाई पता नहीं इधर कहीं पे थे, मैं उधर ढूंढ रहा हूँ तो उधर कहाँ मिलेंगे। सो ऑल गुड, पहुंच जाएंगे लोकेशन। सो गाइस ये रहा बाकू का इंटरनेशनल। इंसान हाँ जी इंसान वो कार्डन पर उसको मालूम है बोल के सारे लोग सारे। सो ये भाई लोग वोल्ट टैक्सी से बुक किया है, और मेरे लोकल फ्रेंड ने बुक किया तब जाके ये मिला, अदरवाइज जितने भी मेरे को मिल रहे थे बुकिंग वो 12 प्राइस था, और वो 20 मांग रहे थे। कभी भी अब बाकू आओ तो मतलब ये हो सकता है आपके साथ, सेम हर जगह होता है, तो ध्यान रखना। शायद बिकॉज मेरे को जो प्राइस था ना वो डिस्काउंटेड था, मतलब रियल 20 है बट मेरे को 8 मन्नत का डिस्काउंट मिल रहा था इसकी वजह से। ये भाई काफ़ी मतलब फ्रेंडली, और काफ़ी मतलब वो होता है ना लाइक क्या बोलते हैं जोश में है एकदम, और बोल रहे हैं कि ये उन्होंने पूछा कि एक्चुअली कोई और कस्टमर हो तो मैं बैठा लूँ आगे। मैंने बोला चलो कोई नहीं बैठा लो, अगर सेम रूट में जा रहे तो मुझे क्या दिक्कत है। बट और यहाँ पे गए हूँ पेमेंट करने कुछ यहाँ पे यूके, तो आ रहे हैं। वेलकम टू ए न्यू वीडियो। सो करंटली मैं हूँ अभी बाकू अजरबैजान में,
और जस्ट मैं कल रात को यहाँ पे पहुँचा था, लाइक दिल्ली से बाकू, और इंडिगो की डायरेक्ट फ्लाइट थी मेरी, लाइक अराउंड आई थिंक टुक मी 5 आवर्स, एंड रात को 9 बजे में हम दिल्ली से चले थे और बाकू रात को 12 बजे पहुँच गए थे, 12:15 में एग्जैक्टली. तो अभी मैं हूँ बाकू में, और ये बाकू का एक लाइक अपार्टमेंट आप बोल सकते हो, जैसे नॉर्मली अपार्टमेंट होते हैं. इट्स मोर लाइक, अगर सोबियत आपको पता होगा, जैसे सोबियत बनाते थे घर, तो लाइक वैसा ही दिखता है. अगर मैं बाहर का आपको दिखाऊँ तो ऐसा कुछ बिल्डिंग है यहाँ पे. काफ़ी ओली तो खाली थोड़ी लंबी है कंपेयर टू नॉर्मली साइज. मैंने ज़्यादा बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं देखे यहाँ पे. आप देख सकते हैं कितना पुराना है, ऑलमोस्ट लग रहा है कि सोवियत टाइम में ही बना था, अभी भी चल रहा है. जो कि 1990 में अगर बना होगा तो ज़्यादा 30 साल से तो होगा ही ज़्यादा टाइम का. और यहाँ पर आप देख सकते हो पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे, मतलब पूरा कंक्रीट मतलब अपार्टमेंट है, बट बीच में भी जगह उन्होंने लगा रखा है कि पौधे वगैरह रह रहे हैं. और सन तो दम डायरेक्ट आ रहा है यहाँ पे. अभी बाकू में टेम्परेचर है अराउंड आई थिंक डे में 35 से ऊपर ही है अभी. तो अभी मेरे को गर्मी लग रहा है कि अराउंड इट्स 36 समथिंग. तो गर्मी तो है. अभी मैं हूँ जुलाई के 12 जुलाई अभी हो रहा है. तो जुलाई में अगर आते हो, जुलाई जून जुलाई अगस्त, तो गर्मी आपको मिलेगी. सितंबर से थोड़ा कम होता है और टिल दिसंबर तो विंटर का टाइम पता ही आपको, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती है. तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे अपार्टमेंट कैसा होता है. मैं एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पर रुका हूँ. मैं एक्चुअली इनको मिला था बैक इंडिया में वाराणसी में, लाइक ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले. और लकीली मेरा प्लान बन गया बाकू अजरबैजान आने का. तो उन्होंने बोला कि मैं बाकू में ही हूँ, अवेलेबल हूँ, आप मेरे घर आ सकते हो अगर कुछ हो तो. मैं जस्ट कल रात को पहुंचा और कहा कि चलो यार कहीं और, अभी कुछ अभी प्लान है नहीं, आपके यहाँ 1-2 दिन रुकते हैं फिर देखते हैं आगे का. तो ये अपार्टमेंट है उनका, दिखाता हूँ मैं आपको बेसिक कैसे होते हैं यहाँ पे घर. तो ये मेरा बेडरूम, अच्छा खासा बड़ा बेड है यहाँ पे, और एसी चल रहा है, अदरवाइज़ गर्मी है यहाँ पे. और यहाँ पे ये है ना कि फ़ैन ही नहीं यूज़ करते, तो विदाउट फ़ैन के कैसे आप रह सकते हो. मतलब अगर धूप दम डायरेक्ट यहाँ से आ रही है ना, तो गर्मी तो है. और ये इधर रशियन और जितने भी सोवियत घर होते हैं ना, यहाँ पे ये यूज़ करते हैं वॉलपेपर्स, लाइक मतलब नॉर्मल पेंटिंग तो होती है वाइट कलर की, फिर उसके ऊपर ही चिपका देते हैं. आप देख रहे हो यहाँ पे, तो अच्छा लगता है ये. मतलब आई डोंट नो कि कितना पैसा खर्च आता होगा इसमें कंपेयर टू जो नॉर्मल हम लोग पेंटिंग कराते हैं मतलब, लेकिन अच्छा है ये. और ये सामने बाथरूम है, शावर, और उधर बाथटब भी है, और मिरर वगैरह. काफ़ी बड़ा है एक्चुअली अपार्टमेंट यहाँ पे कंपेयर टू मतलब इंडिया से. तो ये एक और बेडरूम है यहाँ पे, और इधर मैं दिखाता हूँ आपको ये एक टीवी रूम, लाइक या कमरा ही है, बेडरूम भी बन सकता है सिंगल सा. और यहाँ पे लिविंग एरिया, मस्त विंडोज़ मतलब हर मतलब रूम में दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ में है. बाहर से भी आप जाके वॉक कर सकते हो, सामने वही बिल्डिंग दिख रही है. मतलब अच्छा है ना, मतलब इतने अपार्टमेंट में आपको ऐसा लिविंग रूम बहुत कम ही मैंने देखा है इंडिया में. तो कि आपको मस्त फैमिली हो, 3-4 यू नो 6-7 भी फैमिली मेम्बर होंगे तो आराम से इतना चिल कर सकते हैं, बच्चों के लिए या सबके लिए मस्त है. एक साथ बैठ के यहाँ पर खाओ, रिलैक्स करो, टीवी देखो. और ये मेन गेट है एक्चुअली, इससे आप अंदर आते हो. और रशिया सोवियत कंट्रीज़ में जितने भी होते, जैसे ही आप आते हो, कुछ ठंड का टाइम रहता है तो सबसे पहले अपना जैकेट यहाँ खोल के रखो, जूता नीचे उतारो. एंड तो ये बेसिक ऐसा ही रहता है सिस्टम यहाँ पे. हर मैंने देखा है रशिया में भी कि ऐसे ही रहता है वहाँ पे, कि कोट वगैरह टांगने के लिए गेट के पास में. एंड ये किचन है खाना बनाने के लिए, एंड इधर ही वो वॉशिंग मशीन है, फ्रिज नॉर्मल. और भाई भी बहुत ट्रैवल करते हैं तो ऑलमोस्ट लाइक कैन सी कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ के हैं मैग्नेट सब लगा रखे हैं. तो या और हाँ, ये इधर कोकोनट ऑयल भाई ने बोला था लेके आने के लिए, बिकॉज
इधर मिलता नहीं है, मिलता भी है तो बहुत महंगा मिलता है। और ये बता रहे थे कि जैसे यहाँ पे ऑलिव ऑयल है ना, तो ऑलिव ऑयल लाइक बहुत सस्ता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोकोनट ऑयल लेके आया यहाँ पे, यहाँ से ऑलिव ऑयल लेके जाता हूँ, बिकॉज़ वो तो इंडिया में ऑलमोस्ट लाइक पता ही आपको 1000, अगर वो भी अच्छे क्वालिटी का मिले तो, नहीं मिले तो 2000 तक भी मिलता है। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ऑलिव कैसा होता है एक्चुअली। सुबह में हमने खाया तो था, ये रहा, खाओगे तो लगेगा जैसे मतलब अचार ही है और वैसा ही गैस आता है। इधर पीने के लिए पानी नीचे फिल्टर लगा रहता है, जो नॉर्मल टैप वाटर होता है उसी का फिल्टर लगा के ये लोग यूज़ करते हैं, और यहाँ से आप पी सकते हो पानी। इंडिया में भी आजकल ऐसे ही यूज़ करने लगे लोग, नॉर्मल जो फिल्टर ऐसा लगा रहता है, नॉर्मल वो तो होता ही है, बट आजकल जो मॉडर्न अपार्टमेंट्स होते हैं वैसे आजकल यूज़ करते हैं, तो वो है पानी पीने के लिए। एंड इधर भी बालकोनी है, इन्होंने थोड़ा यहाँ पे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, ये कुछ कांटे वाले हैं। एंड ये सामने का वो व्यू, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है यहाँ पे, और यहाँ लोगों के लिए अपार्टमेंट, आप देख सकते हो कैसे है लाइफ यहाँ पे। मतलब मोस्टली घर में एसी दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, मतलब पता ही चल रहा है कि गर्मी बहुत गिरती है यहाँ भी। और गाड़ियाँ वाइट एंड ब्लैक, और वो लादा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कल आ रहा था रास्ते में तो है ना, जो सोवियत लाडा रशिया में दिखती है, और मोस्ट ऑफ देम इथोपिया में मैं गया था, वहाँ भी बहुत था, तो दिखा था, बट उतना नहीं है यहाँ पे। भाई बता रहा था कि सिटी सेंटर में जाओगे तो ज़्यादा दिखेगी, तो अभी चलो बैठता हूँ और मैं बताता हूँ कैसा मेरा रहा प्रोसेस दिल्ली से बाकू तक का, इमिग्रेशन, फ़्लाइट, और क्या क्या आपको अगर प्लान कर रहे हो बाकू आने के लिए तो क्या आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो जर्नी हो स्मूथ रहे और सस्ते में आप आ सकते हो। बिकॉज़ फ़्लाइट का क्या है ना कि 3-4 फ्लाइट ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए आपको सही टाइम पे बुक करोगे तभी आपको अच्छा डील मिलेगा, अदरवाइज़ काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी। और जो वीज़ा भी है स्मूथ है, इजी है, लेकिन आपका उसका में भी कुछ है कि आप पहले अप्लाई कर दो तो बहुत अच्छा होगा, तो एक एक करके मैं बताता हूँ आपको अभी। हाँ, तो अगर मैं बात करूँ दिल्ली से बाकू तक का सफ़र, तो जो मेरी फ़्लाइट हो इंडिको से मैंने बुक किया था, और इंडिको की जो फ़्लाइट थी, मतलब नॉर्मली मैं चेक कर रहा था तो उनकी फ़्लाइट की जो कॉस्ट थी 25 to 30, 35, 40 तक मिल रहा था, मतलब वो भी मैं 1 week 2 week पहले देख रहा था। तो फिर अजरबैजान की भी एयरलाइंस है जो दिल्ली से ऑपरेट करती है, सुबह में उसकी फ़्लाइट है, 6:30 बजे मॉर्निंग में चलती है दिल्ली से, और बाकू 10 बजे तक पहुँच जाती है वो, तो उसकी जो फ़्लाइट थी उसकी भी सेम है, लाइक इंडिगो और अजरबैजानी का एयरलाइन ऑलमोस्ट जो प्राइस है ना साथ में ही रहता है। और लेकिन मैं देखा कि 2 दिन पहले अगर आप ऐसा बुक करोगे या 1 दिन पहले भी, लेकिन ये तो रिस्क का हो गया ना कि मतलब आपने बुक किए मतलब बैठे हो और प्राइस भी बढ़ सकता है, तो लेकिन ये मैंने बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा कि मैंने जो एयरलाइन बुक किया है इंडिगो वाला वो जस्ट 1 दिन पहले बुक किया था, तो उस हिसाब से मतलब इंडिगो की फ़्लाइट सस्ती पड़ी मेरे को, लाइक ऑलमोस्ट 21,000 का मिला, लेकिन स्टिल जो अजरबैजानी एयरलाइन था वो मेरे को 17-18 हज़ार में मिल रहा था। लेकिन उसमें वही गड़बड़ हो गया कि मेरे पास जो वीज़ा मैंने अप्लाई किया था वो जस्ट एग्जैक्टली टाइम से पहले, मतलब फ्लाई करने से पहले मैंने अप्लाई किया, मतलब डेट का थोड़ा मेरा इशू था, मतलब आई वॉज नॉट कन्फर्म कि कब जाना है, तो मैंने जस्ट वीज़ा अप्लाई किया, और वो 3 दिन लगता आपको पता होगा, तो बहुत इजी प्रोसेस है उसका, जस्ट वेबसाइट है मैं मेंशन कर दूंगा, उस पर जाना है आपको, अपना जो भी पासपोर्ट पे जो डिटेल्स है सेम डिटेल आपको लिखना है वहाँ पे, जैसे है वैसे ही फॉर्म करना है, और जो एक पिक्चर लगेगा पासपोर्ट का फ्रंट पेज को स्कैन करना है और उसमें चिपका देना है, ठीक है बस। और $26 लगेंगे, मेरे से कटा ऑलमोस्ट लाइक 2200 रुपये कटे, तो इतना फीस है उसका। और वो आ जाता है 30 दिन का वैलिड रहता है, मतलब आप जैसे ही अजरबैजान में लैंड करते हैं वहाँ उस दिन से 30 दिन तक आप अजरबैजान में रह सकते हैं, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा। जो वीज़ा का मतलब टाइम रहता है वो 90 दिन तक वैलिड रहता है, मतलब आपने अगस्त में अप्लाई किया तो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक वैलिड है, उसके बीच 3 महीने में कभी भी आप जा सकते हो अजरबैजान में। तो ये रहा वीज़ा का मतलब उनका रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। बात करें तो फ़्लाइट की, तो फ़्लाइट आपको ऑप्शन है अजरबैजानी एयरलाइंस, इंडिगो, एयर अरेबिया फ्रॉम दिल्ली टू शारजा, शारजा टू बाकू,
एंड अदर एयरलाइंस है ओमान एयरलाइंस, इट्स सलाम एयर फ्रॉम दिल्ली मस्कत, मस्कत टू बाकू, तो वो भी 17,000 का है। एयर अरेबिया का भी 17 से 20,000 का है, और अजरबैजानी एयरलाइन का भी 17 से लेकर जाके 35 तक भी हो सकता हो, सेम इंडिगो का भी है। ये डिपेंड करता है आपके लक पे कब वो एयरलाइन वालों का मतलब डिमांड कम होता है। अभी जैसे भाई बता रहा था कि अभी इंडियंस का बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे, बिकॉज जून जुलाई अगस्त मतलब बहुत ज़्यादा आते हैं इंडियन, जो कि मुझे भी उतना श्योर नहीं था क्यों आते, बिकॉज जो कि फ़्लाइट मेरी जो इंडिगो की थी फुल था, मतलब ऑलमोस्ट उसमें लोग ही लोग थे, मतलब पूरा एक भी कोई फॉरेनर या बाहर से नहीं दिखा, सबके सब इंडियन और फैमिली वाले ज़्यादा, और ग्रुप में लोग काफ़ी थे वहाँ उसमें। तो शायद फ़्लाइट अभी डायरेक्ट चल रहा है, इसकी वजह से लोग आ रहे हैं और सस्ता, मतलब कंपेयर टू मतलब हॉलीडे में इंडियन तो सोचते हैं ना हम, मतलब जो नॉर्मल ट्रैवल नहीं करते वो सोचते हैं कि बाहर जाना मतलब 2-3 लाख रुपए खर्च करना, तो उनको दिख रहा है कि 20,000 की फ़्लाइट है और होटल भी 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार में अच्छे खासे मिल जाते हैं, तो उनके लिए मतलब सस्ता है, तो मतलब उस हिसाब से सोच के आते होंगे शायद। तो शायद इसकी वजह से इंडियन काफ़ी हैं, तो फ़्लाइट की भी जो प्राइस है वो उससे कम आपको नहीं मिलेगी। तो आप ट्राई करो कि अजरबैजान की जो एयरलाइंस है उसमें आपको टिकट मिल जाए, तो 18 से 20 तक में मिल जाए तो अच्छा है वो, बिकॉज उसमें खाना भी आपको मिलेगा, फुल इंटरटेनमेंट भी है। और इंडिगो में फ़्लाइट करोगे तो मुझे तो एकदम लगा जैसे कि डोमेस्टिक फ़्लाइट कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी ना खाना पीना, सेम एटीट्यूड, मतलब जो स्टाफ का, मतलब हमें बोर्डिंग के लिए बुला लिया गेट पे और पता चला कि उसमें अभी सफाई नहीं हुए, तो लोग साफ कर रहे एयरलाइन मतलब प्लेन के अंदर में, और हम लोग लाइन में वहाँ पर खड़े हुए हैं, तो पहले ही मतलब सफाई करके बुलाते हैं ना, मतलब पहले आप बुला लेते हो कि आ जाओ बोर्डिंग के लिए, जब आप एकदम फ्लाइट के गेट के जस्ट बाहर बोलते हो कि नहीं अभी रुको 10 मिनट और खड़े रहो बैग लेके, तो ये क्या बात हुआ। तो वही है मतलब इसमें फ़्लाइट करना मतलब वो इंटरनेशनल जैसा लगा ही नहीं, लगा कि एकदम डोमेस्टिक जैसा ही सेम कहीं जा रहे हैं। तो ट्राई करो कि अजरबैजान का ही मिल जाए आपको टिकट, या तो और भी ऑप्शन है एयर अरबिया एंड सलाम एयर भी ऑप्शन है, उसका भी फ़्लाइट ठीक है, आपको मस्कत और या शारजा से होके आना होगा तो भी अच्छा है, मतलब वो भी सस्ते में आपको 17 से 20 हज़ार मिल जाता है। तो ये रहा फ़्लाइट का। और इमिग्रेशन मैं बोलूँ तो बाकू में बहुत ही स्मूथ था, कुछ नहीं, जस्ट पासपोर्ट दिया, दैट्स ऑल। मेरा जो ई वीज़ा भी मैंने कैरी किया था उसने वो भी नहीं चेक किया, बिकॉज जैसे ही पासपोर्ट डाला होगा उनके पास सिस्टम में तो आ गया होगा ना, बिकॉज ऑलरेडी हमने ई वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो कुछ नहीं, विदिन जस्ट 1 मिनट में उसने जस्ट क्लियर कर दिया जो इमिग्रेशन ऑफिसर थी वहाँ पे। तो मतलब स्मूथ था, कुछ दिक्कत नहीं था। फिर आते हैं, जैसे ही मैं एयरपोर्ट इमिग्रेशन क्लियर किया, फिर भाई को कांटेक्ट किया, बिकॉज भाई ही लिव लाइक 30 मिनट्स फ्रॉम द एयरपोर्ट, बिकॉज सिटी सेंटर में ही रहते हैं और जो एयरपोर्ट है थोड़ा आउटर में है, तो वहाँ से करीबन 29 किलोमीटर था यहाँ पे। मैंने पहले बोल्ट एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लिया था, यहाँ पे ऊबर एंड बोल्ट चलती है, बोल्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर बोल सकते हो और सस्ता भी है, तो मैंने बोल्ट ऑलरेडी मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पे इंस्टॉल कर रखा था, रजिस्टर सब कर रखा था। यहाँ पे आते ही मैंने वाईफाई फ्री में, कोई पासवर्ड नहीं लगता है बाकू एयरपोर्ट पे, और जैसे ही आप वाईफाई से कनेक्ट होते हो आप लोकेशन डालो, बुक कर लो, बुक किया, दो एक किया, दो किया, तीन ड्राइवर, चार ड्राइवर, सबके सब बोल रहे हैं कि नहीं जो प्राइस था वो 12 मन्नत मेरे को शो हो रहा था, और वो डिमांड कर रहे हैं नहीं 20-25 इससे कम नहीं जाएंगे। तो फिर मैंने भाई को बोला कि अरे ऐसा हो रहा है अभी क्या करूँ मैं, तो बोला कि कोई नहीं आप रुको मैं अपने फ़ोन से करता हूँ। और इन्होंने ट्राई किया तो इनको 12 मन्नत में ही मिल गया वहाँ पे, और फर्स्ट ड्राइवर और वो रेडी भी है वहाँ से लेके आने के लिए मेरे को। तो फिर भाई ने बताया कि आई थिंक आपका बिकॉज जो नंबर है ना स्टिल आपने इंडियन नंबर से वो आईडी बना रखी है, तो वहाँ पे जो एयरपोर्ट पे होते हैं ड्राइवर्स उनको दिख जाता है कि ये बाहर का फॉरेनर मतलब आया हुआ है और टूरिस्ट है, तो इसके हिसाब से वो डिमांड करते हैं। और जैसे मेरा लोकल नंबर है तो इसकी वजह से ये मतलब लोकल नंबर ही पे जाता है, मतलब ऐसे ड्राइवर पे जो रेडी है, मतलब जो प्राइस है उनके साथ, ये कुछ ही चुनिंदा ड्राइवर बैठे रहते हैं जो बस टूरिस्ट को ही अटैक करते हैं। तो एयरपोर्ट पे अगर ऐसे कोई दिक्कत आए जो टैक्सी वाले डिमांड करें कि नहीं इससे ज़्यादा लूँगा उतना लूँगा, तो ट्राई करो कि कोई लोकल आपके जो होटल है ना जहाँ पे आप जा रहे हो तो वहाँ से उनको बोलो कि आप मेरे लिए बुक कर दो, या वहीं से ड्राइवर अगर आप पहले ही अरेंज कर लेते हो तो वो भी अच्छा है कि होटल वाले कोई भेज देते हैं।
तो वो भी सस्ते में हो जाएगा। या तो उन्हीं को बोल दो कि आप मेरे लिए बुक कर दो वहाँ से, तो आप ऐसे करके आप होटल पहुँच जाओगे। जैसे होटल पहुँच जाओगे फिर सिटी में आपको जो सिम कार्ड है वो मिल जाएगा। सिम कार्ड इज़ लाइक ऑलमोस्ट आपको 20 मन्नत तो लगेंगे, लाइक सिम कार्ड लेने में। यहाँ पे 20 मन्नत इज़ लाइक 1000 हो जाते हैं। 1 मन्नत इज़ लाइक ऑलमोस्ट 49 रुपीज़, तो 50 मान ही लो, तो इतने लगेंगे यहाँ पे। इंडिया से थोड़ा सा इंटरनेट महंगा है यहाँ पे, लेकिन कंपेयर टू एयरपोर्ट ऑलमोस्ट आधा दाम में आपको मिल जाएगा सिम कार्ड, तो ये आप कर सकते हो। और काफ़ी मतलब और तो सब सही है यहाँ पे, उतना कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सिटी भी एकदम ऑलमोस्ट लाइक अगर आप रशिया गए हो सेंट पीटर्सबर्ग या मॉस्को, तो काइंड ऑफ बीच का सिटी बोल सकते हो, बिकॉज मैंने गया हुआ है, तो मेरे को मतलब ऑलमोस्ट ऐसा ही फील आ रहा था। मतलब ऑलमोस्ट वैसे ही बिल्डिंग, वैसा ही रोड, वैसे ही यू नो लैंग्वेज, और रशियन आती है लोगों को, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा बस वही रशियन आती थी, बस वैसा ही ड्राइवर से कम्युनिकेशन और किया बस, और आ गया। तो या ऑल सेट, और अभी जाते हैं बाकू, एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे जितना हो, और बस यही है, मज़े 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 करने हैं, और क्या करना है। अभी तो मैं कल रात को यार सोया भी नहीं, रात को 2 बजे पहुंचा, फिर ऐसे ही बात करते करते 3 बज गए, और सुबह में फिर 8 बजे से पहले ही नींद खुल गई, बिकॉज़ भाई को अभी भाई अभी गए हुए हैं बाहर यहाँ से बाकू से 2 घंटे कहीं पे, तो ये तो शाम को आएंगे। इन्होंने बोला आप रेस्ट करो मस्त, और जब वो सिटी में जाना हो तो जाओ, और या जो करना है करो, मस्त रहो। मतलब चलो ठीक है, अभी कम से कम ये वीडियो पहले बना देता हूँ, और फिर जाऊँगा सिटी सेंटर, थोड़ा वॉक करता हूँ, फिर देखते हैं सिम कार्ड का अगर होता है तो सिम कार्ड आज ले लेता हूँ। और हाँ, इन्होंने ये दे रखा है मेरे को यहाँ पे, ये जो यहाँ पे बसेस चलती हैं, तो बसेस में कार्ड से पेमेंट होती है, आप उसमें पैसे नहीं दे सकते हो, और ये एटीएम और बस में भी चलता है। इन्होंने बताया कि हाफ मन्नत में ही आपका मतलब जो राइड है बस का वो फिक्स है, एक पॉइंट से कहीं भी जाओगे तो हाफ मन्नत लगता है, तो मैं ये यूज़ करूँगा, देखता हूँ। कैसे कोई भी बस इधर उधर जा रही होगी तो मतलब कहीं जाना तो है, मतलब ओल्ड सिटी सेंटर ही, बट होता है ना कि कभी कभी गलती से कोई बस में चढ़ गया, तो ठीक है हाफ मन्नत लगता है, तो गलत भी कहीं चला गया, तो मतलब ट्रैवलिंग करने आए, एक्सप्लोर करने आए, तो एक्सप्लोर ही करना है राइट, तो बस घूमते रहेंगे। और आपको यहाँ पे कॉइन दिखाता हूँ, ये इधर कुछ कॉइन है यहाँ पे, ये आई थिंक 20 सेंट, और क्या बोलते हैं उसको पैसे को, मतलब 1 मन्नत से तो कम है ये, और ये 10 का है, और ये 20, और ये क्या है, ये आई थिंक 1 है शायद, नहीं 3 है, तो 3 सेंट मन्नत बोल सकते हैं ये 20 सेंट, तो इसका इक्वल हो गया 10 रुपये का इक्वल, आई थिंक कितना हो गया यहाँ पे, 5 रुपये का हुआ। तो बाकी जो बताइए दिया मैंने आपको, वीज़ा, फ्लाइट, इमिग्रेशन कैसे है यहाँ पे, सब कुछ बहुत इजी है, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको। और अजरबैजान मतलब बहुत ही बजट वाला कंट्री है, आई कैन से। एंड हाँ, फ्लाइट कर लिया, ये कर लिया, और इधर इमिग्रेशन में बताइए, मैंने कुछ नहीं पूछते हैं, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, नथिंग, कुछ भी नहीं, बस पासपोर्ट दिया, एंट्री हो जाती है मस्त। 15 दिन तक आप रह सकते हो विदाउट इन्फॉर्मिंग लोकल अथॉरिटीज़, आफ्टर 15 डेज यू हैव टू इन्फॉर्म, लाइक सेम लाइक इमिग्रेशन का कुछ रूल्स है यहाँ पे, तो उनको मतलब एक ऑनलाइन खुद भी जाके आप उसमें अपडेट कर सकते हो अपने बारे में कि मैं 15 दिन से ज़्यादा रुक रहा हूँ यहाँ या और जाऊँगा, ऐसा कुछ है। मैं वो भी उतना उसका जो साइट है मैं यहाँ पे डाल दूँगा, आप देख लेना, तो अगर 15 दिन से आप भी ज़्यादा रुकते हो तो आपको अपडेट करना पड़ेगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। पर 1 महीना तक आराम से आप रहोगे अजरबैजान में। एंड हाँ, कंट्री काफ़ी अच्छी है, सस्ती है, मतलब जो टैक्सी अगर देखो तो मैं कल रात का टैक्सी जो मैंने किया था एयरपोर्ट से सिटी सेंटर आने के लिए अपने दोस्त के यहाँ पे, तो 29 किलोमीटर था, और 30 मिनट में हम लोग पहुँच गए। 29 किलोमीटर के लिए रात के 2 बजे 1 बजे मैंने पे किया ऑलमोस्ट 1100 रुपये, नो नॉट 1100 रुपये, या इट वॉज 12 12 मन्नत एक्चुअली, सो हाँ 600 रुपये। तो 600 रुपये में मैं 29 किलोमीटर, आई डोंट थिंक कि मैं दिल्ली में भी इतने में कम में जा सकता हूँ, मतलब 30 किलोमीटर के लिए 600 रुपये, और वो भी बड़ी गाड़ी थी वो,
तो मतलब इसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि सस्ता है। मतलब मुंबई में आप एक ऑटो भी लेते हो 10 किलोमीटर का, तो मैक्स 280-300 रुपये बैठ ही जाते हैं, राइट। तो उसके हिसाब से तो सस्ता है यहाँ पे। होटल भी आपको 2 से 3 हज़ार मिल जाते हैं, और वो भी अच्छी होटल सर्विस, अच्छे लोकेशन पे है। एंड हॉस्टल भी है, अगर आप यंग ट्रैवलर हो, बैकपैकिंग करना चाहते हो, तो हॉस्टल भी काफ़ी आपको बाकू में मिल जाएंगे। सिक्किम में है, गबाला, गांजा, हर जगह अवेलेबल है। और स्मॉल कंट्री है, तो आप इजीली कहीं भी जा सकते हो, ट्रेन से, बस से, टैक्सी भी, अपना खुद का कार भी रेंट करके आप ड्राइव कर सकते हो कंट्री में। तो मतलब ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी मच सूटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रैवलर, लाइक इवन फॉर फैमिली, बैचलर, सोलो, लाइक आई कैन से फॉर एवरीवन। और दे आर मेनी पीपल हेयर लाइक कमिंग फ्रॉम इंडिया इन अ ग्रुप, पाकिस्तानी इवन इंडियंस ऑल्सो। सो तो अभी भाई बता रहे थे कि लाइक दे आर लाइक ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी स्टेइंग हेयर फॉर लॉन्ग टाइम, लाइक दे हैव अ नेबरहुड हेयर एंड दे आर ओनली पाकिस्तानी देयर। सो दे आर सम पीपल जो ट्राइंग टू क्रॉस टू रशिया, एंड फिर रशिया से कैसे भी करके यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं। वैसे भी लोग हैं जो मतलब इस रूट का यूज कर रहे थे, इसकी वजह से थोड़ा सा दिल्ली इमिग्रेशन पे मतलब वो थोड़ा पूछते हैं कि कब आओगे जाओगे, स्पेशली अगर आप सोलो हो और ऐसा आपका हिस्ट्री नहीं है, तो थोड़ा उसका ध्यान रखो। बिकॉज ऑफ होता है ना, लोग कर रहे हैं तो उसके वजह से इम्पैक्ट हमें भी झेलना पड़ता है। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कंट्री बहुत सेफ है और लोग भी काफ़ी फ्रेंडली है। थोड़ा बहुत आपको रशियन आती है लाइक थोड़ा, तो अच्छी बात है, यहाँ पे काम चल जाएगा आपका। बाकी तो गूगल ट्रांसलेट जिंदाबाद है ही अपना। तो बस सही है यार, आ जाओ बाकू अजरबैजान एक्सप्लोर करने। और 1 हफ्ते भी काफ़ी बहुत है यहाँ पे। लोग तो 3-4 दिन के लिए, मैंने देखा जो मेरे साथ फ्लाइट में थे, बस वीकेंड में आए और बाकू और थोड़ा बहुत वो डे टूर करते हैं यहाँ पे सिटीज़ में। आपको ये लोकल एजेंसी ट्रैवल जैसी, वो आप उनको कांटेक्ट करोगे तो वो डे ट्रिप भी कराते हैं। तो एक दिन में आप मतलब ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस वो ले जाएंगे, आपको लेके आएंगे। तो मतलब बहुत ही ऑर्गेनाइज है फॉर ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए। तो आपके पास 3-4 दिन भी है, तो आराम से बाकू 5 घंटे की फ़्लाइट है डायरेक्ट फ्रॉम दिल्ली। मुंबई से भी फ़्लाइट अभी अजरबैजान की चालू हो गई है, तो मस्त आइए और घूमिए और मज़े लीजिए।